दोस्तों, आप कहाँ से आए हैं? आप मधुबनी जिला बिहार। बिहार से हैं आप? चलिए ठीक है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा खाजा की नगरी में? बहुत अच्छा लगा ना। बहुत मस्त। चलिए ठीक है, आपकी भी इरादा पूरा करेंगे। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका चिरपरिचित दोस्त पुष्पराज, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपको आज लेके आया हूँ अजमेर शरीफ के गलियों में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जादुई पत्थर। दोस्तों आप बताइए कहाँ से आए हैं? जी आगरा से। चलिए आप भाई, आप हमारे आगरा से आए हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। अब वो आपको एक शायरी मीठे अंदाज पर सुनाना चाहते हैं। कि सच्ची मोहब्बत का एहसास हो तुम, सारी दुनिया से खास हो तुम। सच्ची मोहब्बत का एहसास हो तुम, सारी दुनिया से खास हो तुम। एक पल भी भुला नहीं पाते तुमको, क्योंकि हर पल दिल के पास हो तुम। वाह वाह वाह, भाई के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोस्तों जादुई पत्थर कोई जादुई पत्थर नहीं है, बल्कि एक जादूगर के द्वारा फेंका हुआ पत्थर है। दोस्तों सैयद मीरा हुसैन अपनी मंजिल तारागढ़ की ओर जा रहे थे, तभी अपने साथियों से उन्होंने बोला कि पहले नमाज पढ़ लेते हैं फिर अपनी मंजिल की ओर चलते हैं। देखो कितनी कठिन रास्ता है, यहाँ पे आने पे सांसें फूली जा रही हैं। पहाड़ की काफ़ी ऊंचाई होने के कारण ये रास्ता बहुत ही कठिन होने वाला है। तो आप जब भी आइए ज़्यादातर कोशिश करिए सुबह के वक्त या तो शाम के वक्त 5 बजे के बाद ही आइए। सुबह आएंगे तो सुबह आप 5 बजे से लेके 8 बजे के बीचों बीच ये रास्ता कवर कर लें। तो दोस्तों देख सकते हो हम कितनी पहाड़ की ऊंचाई पे आ चुके हैं और यहाँ का नज़ारा बहुत ही देखते बनता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कितने हाइट पे ऊंचा हिस्सा है। तो मेरा सैयद से वो पत्थर बोला, अपने जादूगर द्वारा भेजा हुआ पत्थर हूँ, मुझे मैं बेसहारा हूँ, मुझे सहारा दे दीजिए। इतनी ऊंचाई पर चढ़ा है तो कैसा लग रहा है? ऊंचाई पे से ऊपर का देखने का नज़ारा तो बहुत ही बेहतर लग रहा है, बट बहुत थक चुके हैं दोस्तों हम लोग। फाइनली पहुंच तो चुके हैं, ऊपर की ओर आ चुके हैं। अरे पहुंचे नहीं है अभी, तो आप लोगों को बहुत देर लगेगी। अभी कम से कम 15-20 मिनट का रास्ता है और रास्ता इतना खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा में चढ़ने के। दोस्तों जादुई पत्थर और तारागढ़ की जाने के लिए एक ही मार्ग है, जिनमें काफ़ी पहाड़ी की चढ़ाइयाँ को पार करना पड़ता है। यहाँ पे आने के लिए आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे आने के लिए पहले ब्रेकफास्ट जरूर करके आए वरना यहाँ पे। दोस्तों इस जादुई पत्थर में जब तक मीरा सैयद हुसैन जब तक नमाज पढ़ते रहे तब तक वो पत्थर उनके सर के ऊपर जादुई पत्थर घूमता रहा, और वो पत्थर दोस्तों मीरा सैयद हुसैन जब वो नमाज पढ़ के ख़त्म किए तब वो जादू उस पत्थर से बोले, ये तू जादूगर का भेजा हुआ है तो हमें जवाब दे, ये जादूगर का नहीं भेजा हुआ है ऊपर वाले का भेजा हुआ है तो हमें दबा दे। तो दोस्तों हम फाइनली जो है तारागढ़ फोर्ट पे पहुंच चुके हैं और आपको ऊपर से तारागढ़ फोर्ट की व्यू दिखाते हैं कितना ही बेहतर यहाँ का सेल्फी और सेल्फी पॉइंट। यही है निशान है जो उंगलियों का है और घोड़े की नाल का है, ये सारे निशान इस पे हैं जिनको उनने सहारा दिया था। तो दोस्तों हमारा कैसा ब्लॉग लगा आपको? आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और शेयर करिए और डाउनलोड भी करिए, और साथ में ही इसको कमेंट करना ना भूलिए ताकि कोई भी अगर त्रुटि रह गई हो तो उसको हम एडिट करने की कोशिश करें।